हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब? हाउ आर ऑल ऑफ यू डूइंग? कैसे हैं? हेलो, यश, राहुल, प्रियंका, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं? हाउ आर ऑल ऑफ यू? ऑल राइट, कैसी चल रही है सबकी तैयारी? हाउ इज द प्रेपरेशन गोइंग ऑन? क्विकली ज्वाइन इन एंड शेयर द सेशन। जल्दी से सभी लोग शेयर कर दें सेशन को, लाइक एंड शेयर द सेशन ऑल ऑफ यू। तब तक आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं आज के सेशन का। ऑल दोस हु आर वाचिंग अस फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो देख रहे हैं, तो ये सेशन सभी एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए है। यानी कि ये सेशन करंट अफेयर्स भी कवर करेगा आपका, और इस सेशन के अंदर करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ स्टैटिक भी कवर करेंगे हम लोग, और स्टैटिक जीके, जिसमें आज हमारा टॉपिक रामसार साइट्स है, वो भी कवर करेंगे। राइट, तो ये एक ओवरऑल सेशन है आप सबके लिए और सभी एग्जाम्स के लिए। नो मैटर आप पीटी, सीटेट, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डजंट मैटर, ये सभी एग्जाम्स के लिए। राइट, नमस्कार राहुल, यश, निशांत, गुड इवनिंग, प्रियंका, गुड इवनिंग। चलिए तो हम लोग करंट अफेयर्स से शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से सेशन शेयर कीजिए। देयर इज वेरी लेस व्यूअर्स राइट नाउ, बहुत कम व्यूअर्स हैं। व्हाई शेयर नहीं किया आज सेशन को? जल्दी से सेशन को शेयर कीजिए सभी लोग। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि इनमें से कौन सा वो मंत्रालय है जिसने स्माइल लॉन्च किया। स्माइल है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, होशियारी के लिए समर्थन, आजीविका और उद्यम के लिए व्यक्ति, एक कल्याणकारी योजना है भिखारियों के लिए, फॉर बेगर्स अ न्यू योजना हैज बीन स्टार्टेड। योजना का नाम है स्माइल। स्माइल की फुल फॉर्म आप लोगों को यहाँ पे दी हुई है, पहले से वो फुल फॉर्म भी देखनी है, यू हैव टू गो थ्रू दिस फुल फॉर्म ऑल्सो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि कहाँ, किसने शुरू करी है, कहाँ पर शुरू की गई है ये स्माइल योजना। Alright, we have a few answers. कुछ answers आ रहे हैं। I'm all good, शुभांकर, thank you so much. सनी, यश, बाकी सबके answers कहाँ हैं? Quickly, कौन सा मंत्रालय है जिसने ये launch किया है? Which ministry has launched it? ऑप्शन डी राहुल, श्वेता, ब्रजेश। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं। There's a lot of confusion between option C and option D. Alright. द राइट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी, इसका सही उत्तर रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मंत्रालय ने इस स्कीम को या इस वेलफेयर योजना को शुरू किया है बेगर्स या भिखारियों के बेनिफिट के लिए। राइट, नाउ ये स्कीम अगले 5 साल के लिए है। इसका ड्यूरेशन याद रखना है, एक तो इसका ड्यूरेशन कितना है, अगले 5 साल के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, और टोटल आउटले कितना है, टोटल आउटले भी याद रखना है। टोटल आउटले यानी कितना इन्वेस्टमेंट इसमें किया जाएगा। 182 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी एक्सपेंडिचर अनाउंस हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है सबके लिए कि ये मंत्रालय है किसके पास? हु हैज अ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री? ये मंत्रालय किसके पास है? हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, रोहित, हरजीत, पुनीत, सागर, ऑप्शन सी ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन में तो सबने कर दिए, लेकिन एम्पावरमेंट मंत्रालय है किसके पास ये? क्विकली आंसर। थावरचंद गहलोत जी पहले थे, ही वॉज द अर्लियर मिनिस्टर, लेकिन अब वीरेंद्र कुमार, या ये कहें डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को ये मंत्रालय दिया हुआ है। तो नया कैबिनेट याद रखना है, आप लोगों को पहले ही बोला था। तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का केंद्रीय मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को दिया है,
वहीं पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो अबाया नारायण स्वामी है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? दैट इज अबाया नारायण स्वामी जी, राइट। मंत्रालय याद रखना है, उस टाइम भी बोला था अभी भी बोल रहे हैं, मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अभी आने वाले एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग, ये स्माइल स्कीम जो लॉन्च की जाएगी ये कितने शहरों में लॉन्च की जाएगी? अभी शुरुआती तौर पे 10 शहर हैं, 10 cities आर देयर। 10 शहरों में ये लॉन्च की जाएगी करंटली। 10 cities हैव बीन आइडेंटिफाइड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2021 में यूएनजीए ने विजन फॉर एवरीवन को अपनाया। इसका लक्ष्य था 1.1 बिलियन लोगों तक सेवाएं पहुंचाना। किस वर्ष तक का इसका टारगेट लक्ष्य रखा गया और इसके लिए यूएनजीए में किसके द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया था, या प्रस्ताव किसने रखा था विजन फॉर एवरीवन के लिए? तो विजन फॉर एवरीवन नाम का एक रेजोल्यूशन है। पहला रेजोल्यूशन है विजन के ऊपर या देखने के ऊपर, पहला रेजोल्यूशन है। तो इनमें से कौन सा टारगेट ईयर है और दूसरा कौन सा राज्य है जो इस कौन सा देश है जो इसको लेके आया था? गेसिंग ऑप्शन ए, सियाराम, यश, पुनीत, प्रियंका, अंकुर। ऑल राइट, कुछ आंसर्स आ रहे हैं, वंडरफुल। पहली बात, 2030 है इसका ईयर, 2030 इसका वर्ष है। और अगर देश की बात करें तो वो है बांग्लादेश, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। 2030 का इसका लक्ष्य है 1.1 बिलियन लोगों तक पहुंचने का, और 2030 तक पहुंचना है, बांग्लादेश इसको लेकर आया था। और ये किसको एड्रेस करेगा? विजन लॉस को। और ये पहला रेजोल्यूशन है जो विजन विजन लॉस के लिए। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, अंतरराष्ट्रीय संगठन आपको कराए हुए हैं, एस्टेब्लिश कब हुआ, यानी कि स्थापित कब हुआ था? इसके मुख्यालय या हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? इसके प्रेसिडेंट कौन है, हेड कौन है यूएनजीए के करंटली? और यूएनजीए में कुल कितने मेंबर हैं? हाउ मेनी टोटल मेंबर्स आर देयर? चार क्वेश्चन है यूएनजीए के, जल्दी से आंसर करिए। राहुल, राकेश, समर, अरियंत, बाकी सबके आंसर्स का क्विकली आंसर ऑल ऑफ यू, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। अब्दुल्ला, शहीद। ऑल राइट, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी एस्टैब्लिश, या स्थापना से शुरू करते हैं। स्थापित हुआ था 1945 के अंदर, 1945 में इसे स्थापित किया गया था। मुख्यालय इसके न्यूयॉर्क सिटी में है, बिल्कुल सही। प्रेसिडेंट वोल्कन बोस्किर है टर्की के, और करंट मेंबर्स 193 हैं, देयर आर 193 मेंबर्स, राइट। यहां तक सब क्लियर? यूएनजीए यूनाइटेड नेशन के मेन ऑर्गन में आता है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, संयुक्त राष्ट्र के मेन ऑर्गन कितने हैं? हाउ मेनी मेन ऑर्गन आर देयर ऑफ यूनाइटेड नेशन? संयुक्त राष्ट्र के कुल कितने मेन ऑर्गन्स हैं? ये आप लोगों को 2-3 दिन पहले ही कराया है, तो जल्दी से। सिक्स, पुनीत, राहुल, बाकी सबके आंसर्स कहाँ हैं? व्हाई आर देयर सो लेस आंसर? सिंपल स्टैटिक का क्वेश्चन है ये तो। सिक्स, बिल्कुल सही, देयर आर 6 मेन ऑर्गन्स। इनमें से कौन सा डोरमेंट है, या स्लीपिंग ऑर्गन जिसे बोलते हैं, डोरमेंट ऑर्गन, वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है, वन स्लीपिंग या डोरमेंट जिसे कहते हैं। चेतन, बिल्कुल सही। उस संगठन का नाम बताइए जिसने रिपोर्ट जारी करी, रिपोर्ट का नाम है एशिया प्रशांत क्षेत्र में डूबने पर क्षेत्रीय स्थिति रिपोर्ट, रीजनल स्टेटस रिपोर्ट और ड्राउनिंग इन एशिया पैसिफिक रीजन, डूबने पर एशिया प्रशांत क्षेत्र की क्षेत्रीय रिपोर्ट, ये इनमें से किसने जारी करी थी? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड दिस रिपोर्ट?
पहली बार ये रिपोर्ट रिलीज की गई है, इट इज द फर्स्ट टाइम की इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया हो। कहीं भी किसी को कोई भी दिक्कत होती है आप लोग बता सकते हैं, आप लोग स्लाइड दोबारा रिव्यू कर देंगे या थोड़ा सा लेट चेंज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दीपक, श्वेता, राकेश, राहुल, घनश्याम, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, मोस्ट ऑफ यू, ज्यादातर सबका ऑप्शन बी आ रहा है, विवेक ऑप्शन सी। आंसर इसका होने वाला है गोइंग टू बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी। इसके अंदर कुल कितने देश रैंक किए गए थे? देयर वर 85 कंट्रीज जिनको रैंक किया गया था, जिनको स्टडी किया गया था। नाउ WHO से जुड़े हुए सिंपल से दो क्वेश्चन, एक है कि इसके मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, और दूसरा इसके डायरेक्टर जनरल या हेड कौन है। वेरी सिंपल, अंतरराष्ट्रीय संगठन पहले कराया हुआ है, जल्दी से आंसर कीजिए। जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा निशांत, राहुल ने हेडक्वार्टर्स बता दिए हैं, बिल्कुल सही। जेनेवा, विवेक, श्वेता, राहुल, बिल्कुल सही। हेड कौन है? टेड्रोस एडनम, राहुल, दैट्स परफेक्टली राइट, डॉक्टर टेड्रोस एडनम। डॉक्टर टेड्रोस एडनम कहाँ कर है, कहाँ के हैं? वो है इथियोपिया के, ही इज ऑफ इथियोपिया। ठीक है, यहां तक सारा क्लियर है? ऑल राइट, देन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जुलाई में किस देश ने सिंगापुर स्थित एक MOU साइन किया है दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म बनाने के लिए? दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फार्म बनाने के लिए सनसीप ग्रुप के साथ इनमें से किस देश ने समझौता किया है? विश्व का सबसे बड़ा सोलर, फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाने के लिए सनसीप ग्रुप जो सिंगापुर का है उसके साथ इनमें से किसने समझौता किया है हाल ही में? अरयंत, राकेश, राहुल, निशांत, सागर, बाकी सबके आंसर कहाँ है? राकेश, पुनीत, ऑप्शन बी, ऑप्शन ई, नो आइडिया। इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया बना रहा है विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि ये कहां पर बनाया जाएगा? इंडोनेशिया में बनाया जाएगा, बतम में। बतम सिटी है, बतम शहर है जहां पे इसे बनाया जाएगा। नेक्स्ट या दूसरी चीज, भारत का सबसे बड़ा कहां पर है? इंडिया की अगर बात करें, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट करंटली कहाँ पर है? क्लियर नहीं दिख रहा? वेल टुडे यू माइट हैव टू मैनेज, आज थोड़ा सा टाइपिस्ट इश्यू था तो यू माइट हैव टू मैनेज, ही फॉरगॉट टू पुट द बोर्ड, उन्होंने फॉरगॉट, दिस स्लाइड इज यूजली प्रिपेयर्ड बाय मी, लेकिन आज थोड़ा सा टाइपिस्ट से कराया और उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत है, तो यू माइट हैव टू मैनेज अ बिट, बट मैं पढ़ रही हूँ तो आई बिलीव इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। तेलंगाना, तेलंगाना, ऑल राइट, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी तेलंगाना, बिल्कुल सही। तेलंगाना ने, तेलंगाना के अंदर ये बनाया जाएगा, और तेलंगाना में कहाँ पर बनाया जाएगा? रामगुंडम, क्योंकि आपको जरूरी नहीं है कि राज्य ऑप्शन में मिले रामगुंडम में, क्योंकि कभी कभी आपको ऑप्शन में सिर्फ शहर भी देखने को मिल सकते हैं। रामगुंडम तेलंगाना के अंदर ये प्रेजेंट है। कितनी कैपेसिटी है? 100 MW की कैपेसिटी है, 100 MW। यश, अभी 3 बजे वाली क्लास का टाइम वैसे तो चेंज पॉसिबल नहीं है, मोस्ट ऑफ यू आर ओके विद इट, लेकिन अगर चेंज कराना हो तो व्हाट टाइम विल यू प्रेफर, ये आप लोग बता सकते हैं, उसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, लेटेस्ट वाली आप ही बता दीजिए, आई विल आस्क इट अगर पॉसिबल होगा तो, राइट। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में पैसालो डिजिटल को राष्ट्रीय कॉर्पोरेट व्यापार संवाददाता के तौर पे नियुक्त किया है। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने पैसालो डिजिटल को नेशनल कॉर्पोरेट बिजनेस कॉर्पोरेट कॉरेस्पॉन्डेंट या राष्ट्रीय कॉर्पोरेट व्यापार संवाददाता के तौर पे अपॉइंट किया है? कौन सा बैंक है जिसने ये किया है?
ऑप्शन सी राहुल प्रियंका, ये बैंक होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया है कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पे। नाउ यहाँ पे सिंपल सिंपल से स्टैटिक के क्वेश्चन, पहले एसबीआई से जुड़े हुए हैं, एसबीआई के करंट चेयरपर्सन कौन है या एसबीआई के हेड कौन है, एसबीआई के हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर है, एसबीआई स्थापित कब हुआ था, एस्टैब्लिश कब हुआ था, एसबीआई की टैगलाइन क्या है, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ एसबीआई, और पैसा लो डिजिटल के करंट मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी कौन है, दिनेश कुमार खरा, प्रशांत, राहुल, तिलोक, सनी, पुनीत, श्वेता, दिनेश खरा। ऑल राइट, ऑल दोस हुआ कोई भी, दिनेश कुमार खरा बिल्कुल सही, दिनेश कुमार खरा जी इसके चेयरपर्सन है, मुख्यालय मुंबई में है बिल्कुल सही, अंकुर सागर बिल्कुल सही, स्थापित कब हुआ 1955, सागर श्वेता बिल्कुल सही 1955, 1955 में इसे स्थापित किया गया था 1 जुलाई को, 1 जुलाई, और इसकी टैगलाइन क्या है, बैंकर टू एवरी इंडियन, बैंकर टू एवरी इंडियन, हर भारतीय के लिए बैंकर, राइट। एमडी कौन है, पैसा लो डिजिटल के सुनील अग्रवाल, इन केस ये बैंकिंग वालों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पैसा लो डिजिटल का सुनील अग्रवाल इज द करंट एमडी, राइट। प्रशांत, आई एम ऑल गुड थैंक यू, हाउ आर यू डूइंग। विच इंस्टीट्यूट, इनमें से कौन सा संस्थान है जिसने एंटी ड्रोन प्रौद्योगिकियों के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए एक नवाचार केंद्र C3I हब लॉन्च किया है, C3I हब इनमें से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, हु हैज लॉन्च्ड इट, C3I अब इनमें से किस IIT के द्वारा लॉन्च किया गया है, विच IIT हैज लॉन्च्ड इट। ऑल राइट, वी हैव अ फ्यू आंसर्स, वंडरफुल वंडरफुल, IIT कानपुर सबका आंसर सेम है एंड दैट इज वंडरफुली करेक्ट, IIT कानपुर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर, इन्होंने एक अपना हब चालू किया है जिसके अंदर साइबर स्पेस, साइबर सिक्योरिटी, इन दोनों के ऊपर काम किया जाएगा, यानी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और साइबर सिक्योरिटी को और सेफ करने के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी। आरबीआई ने बिना बोर्ड की मंजूरी के लिए बैंकों द्वारा निदेशक या अन्य बैंक के सहयोगियों को दिए जाने वाले ऋण की सीमा बढ़ा दी है, बढ़ी हुई सीमा क्या है, व्हाट इज द एनहांस्ड लिमिट, आरबीआई ने बैंक के डायरेक्टर को कितना बिना बोर्ड से अप्रूवल लिए, बिना बोर्ड की हामी भरवाए जो ऋण लिया जा सकता है उसकी लिमिट को बढ़ा दिया है, तो व्हाट इज द न्यू लिमिट, नई सीमा कितनी है, 5 करोड़, सबका आंसर सेम, वंडरफुल, 5 करोड़ बिल्कुल सही, 5 करोड़ नई लिमिट है, 26 साल बाद आफ्टर 26 ईयर्स ये लिमिट बढ़ाई गई है, अर्लियर लिमिट कितनी थी, यानी कि पहले की लिमिट कितनी थी, दैट वाज 25 लाख, 25 लाख इसकी पहले लिमिट थी, वो बढ़कर के अब 5 करोड़ हो गई है, यानी कि अब बैंक के जो सीएमडी हैं उनके रिलेटिव्स हैं और दूसरे बैंक के सीएमडी हैं वो सब के सब बिना बोर्ड के अप्रूवल के लोन ले सकते हैं 5 करोड़ तक का, राइट। ऑल राइट, नाउ यहाँ पे आरबीआई के गवर्नर कौन है, हु विल टेल दैट, आरबीआई के गवर्नर कौन है, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के वर्तमान अध्यक्ष गवर्नर कौन है, क्विकली आंसर। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि किस तरीके का लोन होगा, दिस इज गोइंग टू बी पर्सनल लोन, सिर्फ पर्सनल लोन है, कौन दे सकता है, जितने भी स्केड्यूल्ड बैंक्स हैं, स्केड्यूल बैंक, लेकिन सभी स्केड्यूल्ड बैंक नहीं है, रीजनल रूरल बैंक ये लोन नहीं दे पाएंगे, आरआरबीज ये लोन नहीं दे सकते हैं, इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं दे सकते ये लोन और लोकल बैंक ये लोन नहीं दे सकते, बाकी सभी स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक दे सकते हैं, शक्तिकांत दास बिल्कुल सही, शक्तिकांत दास इज द करंट आरबीआई गवर्नर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, योगा जोग एक प्लेटफॉर्म है फेसबुक के जैसा, ये इनमें से कौन सा देश बना रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज क्रिएटिंग दिस न्यू ऐप विद द नेम योगा जोग? कौन सा देश है जो जोगा जोग नाम का ये ऐप बना रहा है जो फेसबुक के जैसा दिखता है, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसा है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, तब तक आप लोग आंसर कीजिए, एंड जस्ट गिव मी 1 सेकेंड फॉर दैट। Alright, I'm really sorry about that. Alright, शुरू करते हैं। आंसर बांग्लादेश, कैपिटल ढाका। प्राइम प्रेजेंट दोबारा पूछने का मौका ही नहीं देते हैं ये लोग। वंडरफुल। ऑलराइट, बांग्लादेश बिल्कुल सही आंसर है इसका। बांग्लादेश है जो फेसबुक का जैसा एक ऐप बना रहा है जोगा जोग नाम का, और ये अपना एक ऑल्टरनेटिव तैयार कर रहे हैं फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट एक ऐप और बना रहा है जो व्हाट्सएप का ऑल्टरनेटिव है, वो क्या है? आलापन। आलापन जो है ये व्हाट्सएप का ऑल्टरनेटिव है। तो फेसबुक का जैसा जो है वो है जोगा जोग, और व्हाट्सएप के जैसा जो है वो है आलापन। राइट, ऑल राइट। They have also launched similar apps, yes. And India ने भी लॉन्च किया है, if you people remember, भारत ने भी एप्स लॉन्च करे थे लास्ट ईयर। बहुत एप्स लॉन्च किए थे फेसबुक, इंस्टाग्राम के जैसे, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए व्हाट्सएप का ऑल्टरनेटिव ऐप भी तैयार करवा दिया है। ऑलराइट, एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन दिस बुक? बुक है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रियंका, सागर, राहुल, बाकी सबके आंसर? सुकृत, त्रिलोक, निशांत, श्वेता, रोहित। ऑल राइट, वी हैव अ फ्यू आंसर्स। ऑप्शन सी मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग, अशोक लवासा जी। बिल्कुल सही, अशोक लवासा जी ने ये पुस्तक लिखी है, और ये इनके फादर के लाइफ पे है, फादर उदय सिंह जी। About his father उदय सिंह और उनके जो experiences थे उसके ऊपर ये book लिखी गई है। अशोक लवासा जी पहले election commissioner थे, उसके बाद अब वो vice president है Asian Development Bank के, ADB के vice president का position hold करते हैं current। बिल्कुल सही, इससे पहले election commissioner थे, 2020 के अंदर उन्होंने resign दिया था। सैकॉम मेराबाई चानू ने मौजूदा टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीतकर भारत की पदक तालिका की शुरुआत करी है, वे किस आयोजन में देश का प्रतिनिधित्व करती हैं या भारत को इनमें से किस गेम के अंदर रिप्रेजेंट करती हैं? मीराबाई चानू इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम? यश, प्रियंका, सागर, निशांत, श्वेता, राहुल। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑल आर गोइंग विद ऑप्शन ए, सागर, अर्जुन। ठीक है, आंसर इस वाले का, एज ऑल ऑफ यू आर राइट, वेट लिफ्टिंग के अंदर करती है, 45 kg कैटेगरी के अंदर, एंड शी हैज गॉट सिल्वर मेडल इन दिस। राइट, और भारत का पहला मेडल लेके आई है ओलंपिक्स के अंदर। गोल्ड मेडल कौन लेके गया था? हु वॉज द गोल्ड मेडल विनर? इसी कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल वो जिंजुई हाउ ऑफ चाइना, ही वॉज द गोल्ड मेडल। नाउ, सतीश कालसेकर जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? सतीश कालसेकर जी इनमें से किस भाषा के कवि थे? In which language was he a renowned poet? इनमें से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे सतीश कालसेकर जी?
राहुल, सागर, नागमणि, पुनीत, राकेश. ऑल राइट, वी हैव आंसर्स. स्किप स्किप. ऑल राइट, मोस्ट ऑफ यू गोइंग विद स्किपिंग दिस आंसर, बट दिस इज गोइंग टू बी मराठी. मराठी लैंग्वेज के पोएट थे. ही वाज अ पोएट ऑफ मराठी लैंग्वेज. राइट, नाउ विल बी गोइंग फॉर द स्टैटिक सेक्शन. राइट, अब हम लोग करेंगे स्टैटिक सेक्शन की शुरुआत. स्टैटिक सेक्शन में एज यू पीपल ऑल ऑफ यू नो कि विल बी टॉकिंग अबाउट रमसार साइट्स. तो इससे पहले कि हम लोग शुरुआत करें सेशन की, जल्दी से सेशन को ज्वाइन इन कीजिए. ऑल ऑफ यू क्विकली ज्वाइन इन द सेशन एंड शेयर एंड लाइक द वीडियो. जल्दी से पहले शेयर कीजिए सेशन को ऑल ऑफ यू, एंड देन विल बी स्टार्टिंग ऑन रमसार साइट्स. रमसार साइट्स की शुरुआत करेंगे, उससे पहले सभी लोग शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए. जितने भी लाइव हैं लाइक जरूर करें सेशन को. ऑल राइट, क्विकली क्विकली चलिए शुरुआत करते हैं रमसार साइट्स की. और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के अंदर कुल रमसार साइट कितनी है, वहीं पे विश्व में कितनी है. ये सारा स्टैटिक आप लोगों को कराया हुआ है, तो जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए. चलिए, वर्ल्ड का या विश्व में कुल कितने रमसार साइट हैं और भारत के अंदर कुल कितने रमसार साइट है. महेश, राहुल, यश, राकेश, श्वेता, सागर. 2400, 2400 के आसपास है विश्व में. वहीं भारत में 42 रमसार साइट्स हैं इन टोटल. वंडरफुल. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटलैंड के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय संधि इनमें से किस वर्ष में हस्ताक्षरित की गई थी और कहां पर इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए थे. कौन से शहर में हस्ताक्षर हुए थे और कौन से वर्ष में हस्ताक्षर हुए थे. अर्जुन, कार्तिक, पुनीत. नहीं नहीं 2400 और हेरिटेज रमसार साइट्स. राहुल, प्रियंका, अर्जुन, महेश, कार्तिक, निशान, सुकृत. 1971 ईरान 1971 1971 में हुआ था, ईरान में हुआ था. ईरान में कहां पर, रमसार शहर के अंदर हुआ था, इसीलिए इसको रमसार साइट बोलते हैं. वी कॉल देम रमसार साइट क्योंकि इसका सिग्नेचर या जो ट्रीटी है उस पे साइन रमसार में हुए थे. रमसार ईरान में है और 1971 में इस पे सिग्नेचर हुए थे. विश्व अग्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, इनमें से कब मनाया जाता है. व्हेन डू वी हैव वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व अग्रभूमि दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है. क्विकली आंसर. इस बार 50 वर्ष कंप्लीट हुए हैं. वी हैव कंप्लीटेड 50 इयर्स. तो 2021 का सेलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि 50 साल कंप्लीट हो गए थे. राहुल, श्वेता, शशि, त्रिलोक. राहुल, ऑलरेडी लॉट ऑफ आंसर्स. ऑप्शन सी, ऑप्शन सी. 2 फरवरी. 2 फरवरी बिल्कुल सही. 2 फरवरी को होता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस और इस बार 50 वर्ष कंप्लीट हुए. क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 के अंदर ये साइन किया गया था, इसीलिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस इसी दिन से मनाया जा रहा है. भारत का पहला सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र कहां पर स्थापित है. Where is India's first center for wetland conservation and management? आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र कहां पर है. यश, राहुल, नमन, बी के. बच्चे वीडियो को शेयर जरूर किया करो. डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड और ऐसे बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको सफलता के ऐप पर अवेलेबल होगा. ऐप जरूर डाउनलोड करके रखें, वहां पे आपको डाउट पूछने में भी दिक्कत नहीं होगी. डाउट सेक्शन अलग से है और वहां डाउट आंसर भी होते हैं एज पर द अदर्स. तो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड दैट ऑल्सो. चेन्नई, चेन्नई बिल्कुल सही. मोस्ट ऑफ यू आर राइट. चेन्नई इज द राइट आंसर. चेन्नई के अंदर इसे सेटअप किया गया. नेक्स्ट, सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थित है. वेयर विल यू फाइंड सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स.
वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इनमें से कहां पर स्थित है? वेयर विल यू फाइंड सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स? सबसे लेटेस्ट रमसार साइट है ये भारत का। राहुल, नमन, डिजिटल, तिलोक, प्रियंका, महेश, अर्जुन, वंडरफुल, ऑल ऑफ यू आर राइट। लद्दाख, बिल्कुल सही आंसर, लद्दाख। इसके अंदर दो झील हैं, उन झील के नाम भी पता होने चाहिए। एक है स्टार्ट सपुक सो लेक, और दूसरी झील है सोकर लेक। ये दो झील है जो सोकर कॉम्प्लेक्स के अंदर, राइट? ऑल राइट। इसके अलावा नेक्स्ट है कीथम झील कहाँ पर है? वेयर विल यू फाइंड कीथम झील? कीथम झील इनमें से कौन से शहर के अंदर पाई जाएगी? वेयर विल यू फाइंड कीथम लेक? और इसके साथ साथ दो और जगह रमसार साइट में ऐड हुई थी, कौन सी थी और इसका दूसरा नाम क्या है? नमन, राहुल, चेतन, प्रियंका, यश, तिलोक, आगरा, आगरा, सबका आंसर आगरा। राहुल, पीके, अरयंत, ठीक है, मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग विद आगरा, यूपी, बिल्कुल सही। आगरा के अंदर मिलेगी कीथम लेक, जिसका दूसरा नाम है सुर सरोवर झील। सुर सरोवर झील आगरा में है, यही इसी का दूसरा नाम है कीथम लेक। नेक्स्ट थिंग, इसके साथ साथ दो और जगह थी, क्योंकि ये नवंबर में ऐड हुआ था, नवंबर 2020 में तीन जगह ऐड की गई थी रमसार में। एक तो यहाँ पे दी ही हुई है, दूसरा था महाराष्ट्र का लोनार लेक। लोनार लेक ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का। और तीसरा था एक असन बैरेज, ये कहाँ पर है? वेयर विल यू फाइंड असन बैरेज? असन बैरेज कहां पर है? कल का स्टैटिक जीके का टॉपिक, आई हैव टू चेक इट वंस, एंड ऑफ द सेशन तक बता देना चलेगा। मोस्ट प्रोबली इट्स गोइंग टू बी साइट्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स और ऐसी जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स हैं या अदर साइट्स हैं भारत में, उनके ऊपर है वैसे कल का टॉपिक 9 बजे वाले सेशन के लिए। लोनार लेक महाराष्ट्र में है, असन कंजर्वेशन उत्तराखंड। ऑल राइट, मोस्ट ऑफ यू गोइंग विद उत्तराखंड इन दिस, एंड दैट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। भारत के यूपी, दैट इज उत्तराखंड के अंदर असन बैरेज है। नेक्स्ट, कवर झील कहाँ पर पाई जाएगी? वेयर विल यू फाइंड कवर लेक? कवर झील कहाँ पर मिलेगी और इसका दूसरा नाम क्या है? ये भी 2020 में ऐड हुई थी रमसार साइट में, जुलाई महीने में ऐड की गई थी। अरयंत, श्वेता, राहुल, ऑल राइट आंसर फॉर दिस, बिहार, बिहार, सबका आंसर बिहार, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ऑल राइट, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी बिहार, और इसका दूसरा नाम है कबल ताल। इसे कबल ताल के नाम से भी जानते हैं, कंवर झील के नाम से भी जानते हैं, और बिहार में है, जुलाई 2020 में ऐड की गई थी। नेक्स्ट, विश्व का सबसे पहला रमसार साइट कौन सा था? विश्व का प्रथम रमसार स्थल कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट रमसार साइट ऑफ द वर्ल्ड? विश्व में सबसे पहला रमसार साइट कौन सी जगह बनाई गई थी और कब बनाई गई थी? When was it added? कब बनाई गई थी और इनमें से कौन सा स्थल है? पीके, डिजिटल, राहुल, यश, सुरेंद्र, वी हैव आंसर फॉर हरिके वेटलैंड। ऑल राइट, ऑस्ट्रेलिया एक आंसर, ऑस्ट्रेलिया एक, हरिके वेटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तो ऑप्शन में ही नहीं है, बट जगह का नाम अगर देखें तो कुबोर्ग पेनिनसुला, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। काजी, शायद ये सेशन अपलोड होता है और पीडीएफ भी होती है, आई एम नॉट श्योर, बट मोस्ट प्रोबली इट डज। कुबोर्ग पेनिनसुला जो है ये विश्व का पहला रमसार साइट था, और 1974 1974 के अंदर इसे ऐड किया गया था रमसार साइट में। और अगर देश, जिन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया बोला था, बिल्कुल सही, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलेगा कुबोर्ग पेनिनसुला, राइट। कुशाग्र ये टॉपिक मैंने लास्ट वीक 3 बजे वाले सेशन में कराया था यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के अंदर, तो लास्ट वीक की वीडियोस में आपको मिल जाएगा ये टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली।
आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट, लेकिन वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, राइट। विच कंट्री हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसार साइट्स, विश्व में सबसे अधिक रामसार स्थल इनमें से किस देश के अंदर पाए जाएंगे? विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसार साइट्स, इनमें से कौन सा देश है जहां पे सबसे ज्यादा रामसार साइट मिलेंगे? और कितने मिलेंगे? राजकमल आर्यन, व्हाट इज अ रामसार साइट? रामसार साइट वो साइट है या वो वेटलैंड है, अर्द्रभूमि स्थल है, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स 1971 में एक ट्रीटी साइन हुई थी 1971 में ईरान में। ईरान में एक जगह है रामसार, वहां पे ये ऐड हुई थी। तो उस ट्रीटी के तहत ऐसे जो भी आद्र स्थल हैं या वेटलैंड्स हैं जिनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पे प्रोटेक्शन की जरूरत है, उनको ऐड किया जाता है रामसार साइट की लिस्ट के अंदर, ठीक है। रामसार वैसे एक शहर का नाम है, ईरान के शहर का नाम है। यूके, मोस्ट ऑफ यू आर राइट, बिल्कुल सही, ज्यादा सबने यूके बोला है, बिल्कुल सही। यूनाइटेड किंगडम में 175 रामसार साइट्स हैं, राइट। नेक्स्ट, हाउ मेनी इंडियन वेटलैंड्स आर इन मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड? मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड में कितने भारतीय आर्द्र भूमि हैं और उनके नाम भी बताने हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दोज मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड साइट्स, और कौन कौन से स्थल हैं जो भारत के मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड में पाए जाएंगे? हाउ मेनी रामसार साइट्स आर देयर इन मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड, और उनके नाम सागर, मोहन, यश, अर्जुन, प्रियंका, राहुल, ऑल राइट। आंसर्स बिल्कुल सही। दो भारत के आर्द्रभूमि स्थल हैं, दो वेटलैंड्स हैं जो मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में मिलेंगे। इनके नाम क्या है? एक है केओला देओ नेशनल पार्क और दूसरा है लोकटक झील, लोकटक लेक और केओला देओ नेशनल पार्क। केओला देओ कहाँ पर मिलेगा? राजस्थान में मिलेगा। लोकटक झील कहाँ पर मिलेगी? मणिपुर में मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर झील है, मीठे पानी की झील। इससे पहले चिलिका भी हुआ करता था, लेकिन उसे हटा दिया गया है, 2002 के अंदर हटा दिया गया था। इसकी वजह से अब सिर्फ दो ही ऐसे हैं, राइट। भीतरकनिका मैनग्रूव कहाँ पर स्थित है? वेयर विल यू फाइंड भीतरकनिका मैनग्रूव्स? भीतरकनिका मैनग्रूव इनमें से कौन से राज्य में प्रेजेंट है? अनिल, राहुल, सागर, बाकी सबके आंसर्स, पुनीत, नमन, वंडरफुल वंडरफुल, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, यश, अर्जुन, ऑल राइट। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी भीतरकनिका मैनग्रूव जो है वो उड़ीसा में पाए जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही, ऑल ऑफ यू आर राइट। हरिके वेटलैंड कहाँ पर मिलेंगे? हरिके वेटलैंड कहाँ पर मिलेंगे ना? हरिके वेटलैंड जो है आर्द्रभूमि स्थल है, ये विश्व का ऐसा आर्द्रभूमि स्थल है जो आर्टिफिशियली बनाया गया है, नेचुरल नहीं है ये। इट इज नॉट अ नेचुरल साइट, इट इज अ आर्टिफिशियल साइट, राइट। तो इसे आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है। कौन से राज्य में मिलेगा? नमन, राहुल, सुकृत, पंजाब, पंजाब सबका आंसर, कार्तिक, श्वेता, वंडरफुल, ऑल ऑफ यू आर राइट। पंजाब के अंदर है हरिके वेटलैंड और ये आर्टिफिशियल साइट है, भारत का एकमात्र आर्टिफिशियल साइट है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया और वो कहाँ पर पाई जाएगी और उसका नाम क्या है? वेयर विल यू फाइंड इट और उसका नाम क्या है? राहुल, सुकृत, बाकी सबके आंसर, क्विकली आंसर ऑल ऑफ यू। अर्जुन, चेतन, श्वेता, वंडरफुल, हिमाचल, ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल के बीच में कंफ्यूजन, जम्मू और कश्मीर बिल्कुल सही है। नाम क्या है झील का? वुलर झील। नमन, बिल्कुल सही आंसर, वुलर झील है जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है और ये जम्मू और कश्मीर में प्रेजेंट।
मोस्ट रमसार साइट्स इन इंडिया, भारत में सबसे अधिक रमसार स्थल इनमें से किस राज्य में पाए जाएंगे? विच स्टेट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ रमसार साइट्स? भारत लोकटक मणिपुर की नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी है, ठीक है? यू आर राइट, अगर नॉर्थ ईस्ट पूछते हैं उत्तरी पूर्व राज्य तो उसके अंदर लोकटक आएगा, वरना विश्व भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है मीठे पानी। फादर राहुल, वी हैव आंसर फौजदार सागर अरियंत, ऑल राइट आंसर महाराष्ट्र, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आंसर इज गोइंग टू बी यूपी। यूपी के अंदर 8 रमसार साइट है, यूपी हैज 8 रमसार साइट्स। दूसरे नंबर पे आता है पंजाब जिसके 6 रमसार साइट है, तो 8 रमसार साइट्स है यूपी में सबसे ज्यादा। नोबेल प्राइजेस अधिकतम, दिस इज मिस्ड वन, स्मॉलेस्ट रमसार साइट इन इंडिया, भारत का सबसे छोटा रमसार स्थल कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट रमसार साइट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे छोटा रमसार स्थल कौन सा है? चेतन, राहुल, पीके, स्मॉलेस्ट रमसार साइट कौन सा है? नमन, चेतन, श्वेता, राइट। रेणुका, रेणुका कहां पर मिलेगा? रेणुका वेटलैंड। रेणुका बिल्कुल सही है, रेणुका सबसे छोटा रमसार स्थल है और ये कहां पर मिलेगा? हिमाचल प्रदेश का रमसार स्थल है। वहीं अगर सबसे बड़ा पूछते हैं, लार्जेस्ट पूछते हैं, तो वो कौन सा होगा? सुंदरबंस। सुंदरबंस सबसे बड़ा रमसार स्थल है और सबसे छोटा हिमाचल प्रदेश का रेणुका है, राइट? दोनों याद रखने हैं। फर्स्ट रमसार साइट ऑफ इंडिया, भारत का पहला रमसार स्थल कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट रमसार साइट इन इंडिया, भारत का सबसे पहला रमसार स्थल कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट रमसार साइट ऑफ इंडिया? सुंदरबंस पश्चिम बंगाल, राहुल, श्वेता बिल्कुल सही आंसर, नमन, राहुल, अर्जुन, सागर, श्वेता, आंसर ऑप्शन ए सबका, सागर, कार्तिक। वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वी हैड इट इन द ऑप्शन, वेट लेट मी जस्ट शो इट ओवर हियर, आई जस्ट मेंशन इट आफ्टर दिस क्वेश्चन, इसमें एक ऑप्शन में होना चाहिए था बट इट हैज नॉट बीन मेंशनड। ऑल राइट, ऑप्शन ए मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग, बट ये दोनों है। केवलादेव नेशनल पार्क वैसे मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अंदर है, ऑल्दो इट इज इन द मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड, लेकिन ये सबसे पहले रमसार साइट ऐड हुआ था, उसके कुछ साल बाद ये बना था मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अंदर, सबसे पहले रमसार साइट बना था और ये चिलिका के साथ ही बना था। नाउ लार्जेस्ट वेटलैंड इज पंतनाल, पंतनाल इज द लार्जेस्ट वेटलैंड साइट इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा है और सबसे छोटा जो मिलेगा वर्ल्ड स्मॉलेस्ट, ये कोरिया के अंदर है, चैंगवॉन के अंदर। इन चैंगवॉन देयर इज द स्मॉलेस्ट रमसार साइट ऑफ द वर्ल्ड। ऑलराइट, नाउ इसी के साथ हमारा आज का सेशन वाइंड अप होता है, तो मिलते हैं आप लोगों से कल 9 PM वाला सेशन क्वेश्चन राउंड और 3 बजे वाला सेशन स्टैटिक राउंड के अंदर, विच एवर साइट यू प्रेफर। 3 बजे हमारा कल्चरल सेक्शन कवर होगा थोड़ा सा, और 9 बजे वाले में वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द हेरिटेज साइट्स एमसीक्यू स्टैटिक में, और अदरवाइज करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो है ही। तो मिलते हैं, टिल देन गुड नाइट, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, विल सी यू टुमॉरो।